हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी करवा चौथ की शॉपिंग, क्योंकि आप लोगों को भी पता है करवा चौथ आने वाला है और आज है फ्राइडे और परसों है हम लोगों का फास्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को पहले ही मैं अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ कि मैं क्या पहनने वाली हूँ और मैं क्या लेके आई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं पहले आपको दिखाती हूँ मेकअप का आइटम, मैं मेकअप में क्या लेके आई हूँ, चूड़ियाँ वगैरह क्या लेके आई हूँ। मैं ये लेके आई हूँ चूड़ी, ये है वेलवेट में। हम चूड़ी से स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली, यानी कि आप गैस कर लो अब मेरी जो ड्रेस होने वाली है इससे रिलेटेड होने वाली है, इस कलर की होने वाली है। ये मुझे मिला है 4 दर्जन, 100 रुपये का आया है और मुझे अच्छा लगा। मुझे इस तरह की चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। मतलब देखिए, मैंने नेल पेंट भी गई थी कल मैं मार्केट लेने, मुझे मैचिंग की मिली नहीं, बट मुझे लग रहा है ये वाली थोड़ी मैच हो रही है ना। देखो हाथों पे मैंने 4 कलर लगा रखे हैं, फिर मुझे नहीं मिला ऑप्शन तो मैं ये वाली भी लेके आई थी। ये देखिए, ये 100 रुपये की 4 दर्जन लेके आई थी मैं। और पीछे आप सामान देख रहे हैं ना फैला हुआ है। उसके बाद चूड़ी में मैं लेके आई थी ये देखो, ये वाली तो बहुत प्यारी है फैमिली, मतलब बहुत प्यारी लगी मुझे तो ये वाली। ये मतलब मैं सेट बना के पहनूंगी, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये भी आया था, ये 150 रुपये की 12 चूड़ियाँ हैं। एक उसने 250 वाली भी दिखाई थी, 250 वाली मुझे अच्छी नहीं लगी, थोड़ी महंगी भी थी और वो थोड़ी उसमें वाइट कलर मिक्स था तो मुझे वाइट वाला कलर कोई लेना नहीं था, तो मैंने ये वाली ली 150 रुपये की 12 चूड़ियाँ। और मैं लेके आई थी टंटा, और ये 4 कड़े लेके आई हूँ मैं, जो चूड़े में लगाए जाते हैं ना, चूड़ा जो होता है शादी वाला उसमें पहनते, ये है 250 रुपये के 4 कड़े। देखे फैमिली बहुत प्यारे हैं, मतलब अब मैं इन तीनों का सेट बना के जब पहनूंगी ना फिर आपको मेरा फाइनल लुक पता चलेगा। मैंने अभी सेट बना के इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर आप करवा चौथ पे आप लोगों को पता नहीं चलेगा ना मेरे चूड़ियों का सेट कैसा था। ये देखिए, ये 250 के 4 है। कमेंट करके बताना फैमिली कैसे लग रहे हैं और किस किस ने कर ली करवा चौथ की शॉपिंग। मतलब साल में एक बार आता ना ये फेस्टिवल, ऐसे लगता है बस ये ले लूं वो ले लूं। और उसके बाद मैंने ली थी सैंडल, इसमें सिल्वर कलर भी था बट मैंने सिल्वर कलर नहीं लिया, ये थोड़ा गोल्डन और थोड़ा ब्राउनिश कलर है। कैसी लग रही आपको मेरी ये स्लीपर, ये मुझे उसने दी थी। ये किसी कंपनी की नहीं है फैमिली, किसी भी ब्रांड की नहीं है, लोकल ब्रांड है। बट मैं ये शॉपिंग मैंने जो कियाट्टा से की है शॉप से ली थी, बट उन्होंने इसकी 3.5 महीने की वारंटी या गारंटी जो बोलते वो दी है। और इसका प्राइस है 780 रुपये, ये मुझे 780 की पड़ी थी, मुझे महंगी लग रही थी बट मेरे हस्बैंड ने बोला चलो ले लो अच्छी लग रही है, हमने ये लिया था। उसके बाद मैंने मेकअप में कल छुट्टो मुट्टो सा कुछ लिया था, ये मैं लगाती नहीं हूँ फैमिली, मेकअप मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। मेकअप में मेरा क्या होता है, सिंदूर बिंदी और लिपस्टिक और काजल कभी कभी लगा लिया तो ठीक है, नहीं तो मेरे को मेकअप करना ज़्यादा पसंद नहीं है। फाउंडेशन वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं लगाती, बिल्कुल भी नहीं लगाती। ये इसको क्या बोलते हैं, इस पे जो लगाते हैं मस्कारा, सॉरी मस्कारा है ये मुझे 299 का मिला था और उन्होंने बोला था बहुत अच्छी कंपनी का है, मैंने कभी लगाया नहीं तो मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो करवा चौथ पर लगा के अच्छे से रेडी होंगे। ये देखिए इस, ये कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आया है, यहाँ से भी खुलता है, ये 2 साइड से ओपन होता है फैमिली, ये देखिए यहाँ से भी ओपन होता है। ये 299 का था। और इसके बाद मैंने लिया था लिप पेंसिल लिया था जो कि है ब्राउन शेड में। उसके बाद मैंने एक लिपस्टिक भी ली थी जो कि है ब्राउन शेड में। मेरे पास पिंक रेड सारी रखी हुई है बट मुझे ये शेड थोड़ा अच्छा लग रहा था, ये शेड देखिए मेरी बेबी बोल रही है ब्राउनिश कलर।
टेंथ है ना, ये मुझे मिली थी 249 की, 250 की मिली थी, ये 69 की मिली थी, और 299 की ये मिली थी 300 रुपए की। ये देखो मेरी बेबी सो के उठ गई है माही। और कल मैं फिर थोड़ा सा सामान लेके आई थी, कल मैं पेटीकोट लेके आई हूँ, पेटीकोट रह गया था मेरा, तो मैं इस कलर का पेटीकोट लेके आई हूँ। ये मुझे मिला है 150 का, बहुत सस्ता मिल गया ये मुझे। और एक और पन्नी है गाइस, ये देखो मैंने नेल पेंट जो ली है, ये 2 शेड लिए नेल पेंट के, ये मुझे 50 की मिली है, बहुत महंगी है। सेम ही कंपनी है क्या? नई कंपनी सेम नहीं है, ये मैंने अलग शॉप से लिया, ये अलग शॉप से लिया, ये 50 का है और ये 20 का है। उसके बाद मैं 2 मेहंदी की कीप भी ले, एक ये कंघी लेके आई थी 20 रुपए की, 2 मेहंदी लेके आई थी 20 रुपए की, 10 रुपए का ये मुझे, ये गलती से ले लिया मैंने 10 रुपए का है ये मुझे लगा कि बिंदी है, और घर आके चेक किया तो ये लोकल सिंदूर है, ये मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। नेल पेंट रिमूवर लिया क्योंकि मैंने दुकान पे इतनी सारी चेक कर ली थी, तो उसको उतारने के लिए कुछ चाहिए था, ये सब मैं यूज नहीं करती हूँ, बट मैंने ले लिया। और ये 2 मैंने सिप्पी पिन के न्यू पैकेट लिए 15-15 रुपए के, ये नए सिप्पी पिन थे, मैंने कहा आगे भी काम आ जाते हैं, 15-15 के थे तो 2 ले लिए मैंने। उसके बाद मैं भी आपको दिखाती हूँ मैंने क्या लिया था। ये है मेरे ब्लाउज, कल ही फिटिंग हो गया है, ये रेडीमेड साड़ी लिया फैमिली, इसमें ना ब्लाउज मुझे सिलवाना नहीं था, बना बनाया था, बस थोड़ा बाजू फिटिंग कराया था। किस किस को पसंद आ रहा है जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बता दो बस, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगा, किसी को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा वो मुझे नहीं पता, बट मुझे देख के बहुत पसंद आ गया था। देखो कुछ इस तरीके से है इसकी बाजू, और ये सिला सिलाया था तो मुझे तामझाम कुछ करवाना नहीं पड़ा। ये देखो इसकी लैस, ये देखो पीछे से प्लेन है, मतलब मुझे तो गाइस बहुत प्यारा लगा इसलिए मैंने लिया, नहीं तो मैं नहीं लेती। टेंटना आज आपको अच्छा लगा सच्ची बताना, सिर्फ मैंने इसकी बाजू फिटिंग कराई है क्योंकि बाजू बहुत ज्यादा लूज आ रही थी मुझे, और थोड़ा ये लूज था, और ये ना साइड में जिप वाला है तो बड़े आराम से उतर भी जाता है, पहन भी सकते हैं इसको। मैं और क्या लेके आई थी मुझे ऐसे लग रहा है, वो देखो माई भी आ रही है आप लोगों को मेहंदी दिखाने, बेटा नहीं देखेंगे। इस साड़ी के साथ एक और ब्लाउज का कपड़ा आया था, मतलब ये तो है ही है, बना बनाया आया था, आप चाहो तो जो कपड़ा आया उसका भी ब्लाउज बना सकते हो, बट मुझे ये यूज नहीं करना, इसका देखेंगे हम बाद में क्या बनवाएंगे या क्या नहीं बनवाएंगे। ये कपड़ा है बहुत बड़ा साइज है, मेरा ब्लाउज तो आराम से बनने वाला है, इसको भी मैं कहीं ना कहीं यूज कर लूंगी, प्लेन ब्लाउज बनवा सकती हूँ साड़ी के साथ रेगुलर या कहीं नॉर्मल वे में, मैं इसका भी ब्लाउज बनवाने वाली हूँ, इसका भी ब्लाउज बनाएंगे हम। चलो अब घड़ी इंतजार की खत्म, अब हम आपको अपनी साड़ी दिखाते हैं। मैं फैमिली ये साड़ी खोलूंगी नहीं अभी, क्योंकि मैं साड़ी अकेले तह नहीं लगा पाती, पूरी साड़ी पे ये ऐसे है और बॉर्डर पे लैस है, मुझे ज्यादा भरी हुई साड़ी नहीं चाहिए थी। और प्लीज बताना ये मेरे ऊपर कैसा लगेगा कलर, मुझे तो अच्छा लग रहा है फैमिली, पता नहीं सबकी पसंद अलग अलग होती है ना, ये देखो। और अगर इसका प्राइस जानना है, इसका प्राइस मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसका प्राइस जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे पीपी लिख देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके बता दूंगा इसका क्या प्राइस था। ये मैं लेके आई हूँ हमारे यहाँ अट्टा मार्केट लगते है, वहां से लेके आई हूँ। ये देखो मेरी बेबी भी आपको बता रही है कि देखो मैं क्या लेके आई हूँ, बिट्टू शो के उठी हो आप, मम्मा ने सोचा आप सोई भी हो तो मम्मा वीडियो बना ले, और आप तो उठ गई। तो फैमिली बस यही कुछ लेके आई थी, ज्यादा नहीं लेके आई थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, और फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में फैमिली। बाय 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 कर दो, टाटा कर दो, टाटा। कल मेहंदी भी लगवानी है और आज कपड़े धोने हैं, टाटा कर दो फैमिली को, माई कह रही है हमारा मन नहीं कर रहा था, बाय कर दो, टाटा टाटा टाटा।